पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। इस कहानी की शुरुआत होती है 1720 में, जहां पर समंदर में एक बहुत बड़े जहाज को दिखाया जाता है। इस जहाज में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ। वो समुद्री लुटेरों का गाना गा रही होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो एलिजाबेथ को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि ये समुद्री लुटेरों का इलाका है, तुम्हें उनका ये मनहूस गाना नहीं गाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लेफ्टिनेंट जेम्स आते हैं जो समुद्री लुटेरों से नफरत करते हैं। वो एलिजाबेथ को कहते हैं कि हर एक समुद्री लुटेरे की एक ही सजा है और वो है मौत। दरअसल जेम्स समुद्री लुटेरों से बहुत नफरत करता है। अब यहाँ पर एलिजाबेथ के डैड भी आ जाते हैं जो कि गवर्नर हैं, और वो जेम्स को कहते हैं कि मेरी बेटी से ऐसे बातें मत करो, मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में किसी भी तरह का कोई डर बैठे। जेम्स और गवर्नर वहां से चले जाते हैं और एलिजाबेथ एक बार फिर से समंदर की ओर देखना शुरू कर देती है। और तभी उसे समंदर में एक लड़का दिखता है। वो शोर मचाकर सबको बताती है कि समंदर में कोई है। उस लड़के को जहाज के ऊपर लाया जाता है। तभी सब देखते कि सामने एक बहुत बड़ा जहाज जल रहा होता है। सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है। वो लड़का होश में आता है। एलिजाबेथ कहती है कि मेरा नाम एलिजाबेथ है। वो लड़का कहता है कि मेरा नाम विल टर्नर है। और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ देखती है कि उसके गले में एक लॉकेट है। ये एक सोने का गोल सिक्का होता है जिसमें पायरेट्स का यानी कि लुटेरों का निशान होता है। एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये भी लुटेरों में से एक है, इसीलिए वो उसके गले का लॉकेट अपने पास रख लेती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर जेम्स को पता चल गया कि ये एक लुटेरा है तो वो इसे मार देगा। धीरे धीरे वक्त बीतता और कई साल बीत जाते हैं। एलिजाबेथ अब बड़ी हो चुकी है। आज भी उसके पास वो लॉकेट है जो बचपन में उसे विल के गले में मिला था। उसने इस लॉकेट के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पर उसके पिता जो कि गवर्नर है वो आ जाते हैं और वो उसे ड्रेस देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक नया फैशन है, तुम इस ड्रेस को पहन लो, हमें एक जश्न में जाना है जो लेफ्टिनेंट जेम्स की तरक्की की खुशी में दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो। दरअसल उसके पिता चाहते हैं कि वो जेम्स से शादी कर ले। अब विल को दिखाया जाता है जो गवर्नर के घर पर आता है। दरअसल विल एक लोहार है। गवर्नर ने उसे एक तलवार बनाने के लिए कहा था। वही तलवार लेके वो गवर्नर के घर पर आया होता है। यहाँ पर एलिजाबेथ से उसकी मुलाकात होती है। एलिजाबेथ विल को देखकर बहुत खुश होती है, पर उसके डैड नहीं चाहते कि वो विल से दोस्ती बढ़ाए, इसीलिए उसके डैड उसे लेकर जश्न के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ समंदर में हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो पोर्ट रॉयल की बंदरगाह पर अपनी कश्ती रोकता है। वहां पर एक आदमी आता है और जैक स्पैरो को कहता है कि पोर्ट रॉयल की बंदरगाह पर अपनी कश्ती बांधने का एक चांदी का सिक्का लगता है। जैक स्पैरो उसके पास आता है और उसे तीन चांदी के सिक्के देता है और कहता है कि मेरा नाम भूल जाओ। जैक स्पैरो यहां से एक पानी के जहाज में जाता है। तभी वहां पर दो सिपाही आ जाते हैं। वो सिपाही जैक स्पैरो से पूछते हैं कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो। जैक स्पैरो कहता है कि मैं इस पानी के जहाज को चुराने के लिए आया हूं। सिपाही उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। वहीं किले के ऊपर दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और लेफ्टिनेंट जेम्स एक साथ है। लेफ्टिनेंट जेम्स अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन एलिजाबेथ की ड्रेस इतनी टाइट होती है कि उसे सफोकेशन होना शुरू हो जाती है और वो बेहोश होकर किले की ऊंची दीवार से समंदर में गिर जाती है। एलिजाबेथ के गले में विल का सोने का वो लॉकेट भी होता है जिस पर पायरेट्स का यानी कि समुद्री लुटेरों का निशान है। और जब वो सोने का लॉकेट समंदर के स्पर्श में आता है तो उससे एक अजीब सी वाइब्रेशन, एक गूंज निकलती है जो दूर दूर तक फैल जाती है। वहीं जैक स्पैरो ने एलिजाबेथ को पानी में गिरते हुए देख लिया होता है। वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और जब वो उसे पानी से बाहर लाता है तो वो देखता है कि उसके गले में सोने का पायरेट्स का लॉकेट है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे गले में लॉकेट कहां से आया, पर इससे पहले कि वो जवाब देती यहां पर जेम्स उसके सिपाही और एलिजाबेथ के पिता जाते हैं। जेम्स के सिपाही जैक स्पैरो को बंदूक की नोक पर ले लेते हैं और एलिजाबेथ कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। पर जेम्स उसके हाथ में पायरेट्स का निशान देख लेता है। वो कहता है कि तुम एक पायरेट हो। जेम्स पायरेट से नफरत करता है, इसीलिए जैक को बंदी बना लेता है। पर जैक बड़ी चालाकी से एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर ले लेता है और यहां से भाग जाता है। हालांकि सिपाही उसका पीछा भी करते हैं, पर जैक बड़ी बहादुरी और चालाकी से यहां से निकल जाता है। यहां से निकलकर वो एक लोहार की दुकान में जाता है जहां पर वो अपनी हथकड़ियां काटने की कोशिश करता है। ये लोहार की दुकान विल की होती है। विल वहां पर आ जाता है। विल और जैक स्पैरो के बीच में तलवारबाजी होती है। जैक स्पैरो और विल दोनों ही बहुत ही शानदार तलवारबाज होते हैं। पर तभी यहां पर सैनिक आ जाते हैं और वो जैक स्पैरो को पकड़कर जेल में डाल देते हैं।
वहीं रात को दिखाया जाता है कि समुद्री लुटेरों का सबसे बड़ा जहाज, जिसे ब्लैक पर्ल कहा जाता है, वो यहाँ तक पहुँच जाता है। दरअसल एलिजाबेथ के पानी में गिरने के बाद उसके गले में पायरेट्स के सोने के सिक्के से जो गूंज, जो वाइब्रेशन निकली थी, उस वाइब्रेशन और गूंज से ब्लैक पर्ल जहाज के लुटेरों को पोर्ट रॉयल का पता चल गया होता है। वो इस पूरी जगह पर हमला कर देते हैं, साथ ही उस कमरे तक भी पहुंच जाते हैं जहां पर एलिजाबेथ छुपी होती है। एक पायरेट कहता है कि तुम्हारे पास हमारी एक अमानत है, वो सोने का सिक्का हमें चाहिए। वो एलिजाबेथ को ढूंढ लेते हैं और इससे पहले कि वो एलिजाबेथ को मार दे, एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम्हारे सरदार से बात करना चाहती हूँ। ये पायरेट्स का एक रूल है, अगर कोई उनके सरदार से बातचीत करना चाहे तो इसकी इजाजत उसे होती है। इसीलिए वो एलिजाबेथ को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। अगली सुबह विल को जब पता चलता है कि पायरेट्स एलिजाबेथ को अपने साथ बंदी बनाकर ले गए, तो वो एलिजाबेथ के पिता और जेम्स के पास जाता है। वो उन्हें कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए, पर विल की बात को नहीं सुना जाता क्योंकि वो एक लोहार है। तभी यहाँ पर एक सैनिक कहता है कि कल जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल जहाज के बारे में बात कर रहा था जो एलिजाबेथ को अगवा करके ले गए हैं। विल ये सुनने के बाद जैक स्पैरो के पास जाता है और वो कहता है कि हमें एलिजाबेथ को बचाना है, तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं न सिर्फ तुम्हें यहाँ से छुड़ाऊंगा बल्कि तुम्हें एक सुरक्षित जगह तक पहुंचा भी दूंगा। यहाँ पर जैक स्पैरो को जब विल का पूरा नाम पता चलता है कि उसका नाम विल टर्नर है, तो वो समझ जाता है कि विल और कोई नहीं बल्कि बूटस्ट्रैप टर्नर, जो कि पायरेट्स का एक सदस्य था, उसी का बेटा है। विल जैक को जेल से निकाल देता है और ये दोनों एक कश्ती के नीचे छुप कर एक बहुत बड़े जहाज के ऊपर पहुंच जाते हैं जिसका नाम डॉन्टलेस है। जेम्स जब देखता है कि जैक और विल उनका जहाज चुराने वाले हैं, तो वो अपने सभी सैनिकों को उस जहाज के ऊपर भेज देता है, पर ये जैक स्पैरो की एक चाल होती है। जब जेम्स के सभी सैनिक डॉन्टलेस जहाज पर आते हैं तो जैक और विल सामने एक दूसरे जहाज पर चले जाते हैं जिसका नाम इंटरसेप्टर होता है। ये एक बहुत तेज जहाज है और ये दोनों के दोनों जेम्स की आंखों के आगे इस जहाज को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में विल जैक स्पैरो से पूछता है कि मेरा नाम सुनने के बाद तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार क्यों हो गए। यहाँ पर जैक स्पैरो उसे उसकी जिंदगी की सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि तुम किसी लोहार के बेटे नहीं हो बल्कि एक समुद्री लुटेरे के बेटे हो, तुम्हारे पिता का नाम था बूटस्ट्रैप टर्नर। इसके बाद ये दोनों एक टापू पर पहुंचते हैं जहां पर जैक स्पैरो अपने पुराने साथियों से मिलता है और वो उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा, हम ब्लैक पर्ल जहाज तक पहुंचेंगे जहां पर उस जहाज के कैप्टन बारबोसा से हम एक सौदा करेंगे और उस सौदे के बदले हम उस जहाज को हथिया लेंगे। उसका साथी कहता है कि बारबोसा कभी भी हमें ब्लैक पर्ल नहीं देगा। जैक स्पैरो कहता है कि जरूर देगा, उसे बूटस्ट्रैप टर्नर के बेटे विल टर्नर की जरूरत है, हम विल टर्नर के बदले उससे ब्लैक पर्ल जहाज ले लेंगे। वहीं ब्लैक पर्ल जहाज में एलिजाबेथ को बारबोसा के सामने दिखाया जाता है जो कि शिप का कैप्टन है। एलिजाबेथ कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा सोने का सिक्का दे दिया है, मुझे जाने दो। कैप्टन बारबोसा उसे बताता है कि ये कोई आम सोने का सिक्का नहीं है बल्कि ये एस्टेक के खजाने में से एक है। ऐसे 882 सिक्के थे जो कॉर्टिस को दिए गए थे ताकि वो एस्टेक के लोगों पर कत्लेआम करना, जुल्म करना छोड़ दे, पर सोने के सिक्के लेने के बाद भी उसने ऐसा नहीं किया। इसीलिए ऊपर वाले ने इन सोने के सिक्कों पर एक श्राप लगा दिया, अगर कोई भी इंसान उस बक्से से सोने का एक भी सिक्का निकालता तो उसे इस दुनिया के अंत तक सजा दी जाएगी। पर हमें इस कहानी पर विश्वास नहीं था, हमें उस खजाने के बारे में पता था, इसीलिए हमने उस 882 सिक्कों के बक्से को और उसके आसपास के सभी खजाने को लूट लिया। हमने उस खजाने से बहुत अय्याशी की लेकिन जिंदगी के दुनिया के सभी ऐशो आराम ने भी हमारी भूख को खत्म नहीं किया। हम सब के सब श्रापित हैं और अगर हमें श्राप को खत्म करना है तो हमें उन 882 सिक्कों को ढूंढना होगा। हमने सारे सिक्के ढूंढ लिए थे और अब आखिरी सिक्का हमें तुम्हारी बदौलत मिल गया, हम उस पर तुम्हारा खून चढ़ाएंगे और श्राप से मुक्त हो जाएंगे। एलिजाबेथ यहाँ पर मौका देकर बारबोसा को चाकू मारकर बाहर भाग जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि वहां पर एक भी इंसान नहीं होता, सबके सब कंकाल होते हैं। तभी बारबोसा उसके पीछे से आता है, वो कहता है कि मैं कई सालों से प्यासा हूं लेकिन मैं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, मैं कई सालों से भूखा हूं लेकिन मेरी भूख नहीं मिटती, मैं सालों से मरना चाहता हूं लेकिन मर नहीं सकता, मुझे कुछ भी एहसास नहीं होता और अब मैं श्राप से किसी भी तरह से मुक्त होकर हमेशा के लिए मुक्ति चाहता हूं। और इसके बाद बारबोसा भी चांदनी रात में आता है।
और वो भी अपने साथियों की तरह कंकाल बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक स्पैरो विल और उसके साथियों को दिखाते हैं जो अपने जहाज से ब्लैक पर्ल की तरफ आ रहे होते हैं। यहाँ पर विल को जैक स्पैरो को एक साथी बताता है कि जैक स्पैरो पहले ब्लैक पर्ल का कैप्टन था, पर उसके साथियों ने उसे धोखा दिया और उसे एक टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया, पर जैक स्पैरो किसी तरह से बच गया और अब वो अपने साथी बारबोसा से बदला लेना चाहता है जो ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन है। वहीं बारबोसा को दिखाया जाता है जो उस गुफा तक पहुंच जाता है जहां पर वो बक्सा है जिसके अंदर 881 सिक्के हैं। बारबोसा कहता है कि हमने सारे सिक्के लौटा दिए जितने भी हमने खर्च किए थे और अब हमें श्राप से मुक्त होने के लिए आखिरी सिक्का लौटाना है। यहाँ पर जैक स्पैरो और विल भी पहुंच जाते हैं और इसके बाद बारबोसा एलिजाबेथ का हाथ काट कर उसका खून लगा कर उस सिक्के को बक्से के अंदर डालता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता, वो श्राप से मुक्त नहीं होते। बारबोसा समझ जाता है कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं है, इसीलिए उसे थप्पड़ मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर बारबोसा और उसके लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। तभी पानी के अंदर से विल निकलता है और बड़ी चालाकी से एलिजाबेथ को और उस आखिरी सिक्के को लेकर यहाँ से निकल जाता है, पर बारबोसा के लोग जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। जैक स्पैरो बारबोसा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं ब्लैक पर्ल का कैप्टन था, तुमने मुझे धोखा दिया और खजाना ढूंढने से पहले तुम मुझे एक टापू पर छोड़ आए जिस वजह से मैं श्राप से बच गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसके खून की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो उस आदमी को मैं तुम तक पहुंचा सकता हूँ। तभी बारबोसा का आदमी आता है और वो बारबोसा को कहता है कि हम इंटरसेप्टर जहाज तक पहुंचने वाले हैं जिसमें एलिजाबेथ और वो इंसान है जिसका खून हमें चाहिए। जैक स्पैरो कहता है कि अगर तुम चाहो तो प्यार से मैं उस आदमी को तुम तक ला सकता हूँ। बारबोसा कहता है कि इसे बंदी बना लो और अब वो इंटरसेप्टर जहाज की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं इंटरसेप्टर जहाज पर दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और विल, जो कि अब जानता है कि बारबोसा को उसके खून की जरूरत है, उसके पिता एक पायलट थे, वो दोनों अपने जहाज को ब्लैक पर्ल से बचाने की कोशिश करते हैं, पर पूरी कोशिश के बाद भी वो नाकामयाब रहते हैं। बारबोसा इन सब को बंदी बना लेता है। अब उसे पता है कि बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा विल टर्नर है जो कि अब उनके कब्जे में है। इसके बाद बारबोसा सबसे पहले एलिजाबेथ को जहाज से पानी में फेंक देता है। इसके बाद वो जैक स्पैरो से कहता है कि तुम इस जगह को शायद भूल गए, ये वही आइलैंड है जहां पिछली बार हमने तुम्हें छोड़ा था, पर इस बार तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। और वो जैक स्पैरो को भी पानी में फेंक देता है। अब जैक और एलिजाबेथ एक बार फिर से उसी टापू में फंस जाते हैं। यहाँ पर जैक की दारू भी होती है जिसे एलिजाबेथ अगले दिन जला देती है। आग की लपटों को देखकर इस तरफ एक दूसरा जहाज आता है और इस जहाज में जेम्स और एलिजाबेथ के पिता होते हैं, जो जैक स्पैरो और एलिजाबेथ को उस टापू से निकाल कर जहाज पर ले आते हैं। जहाज पर एलिजाबेथ जेम्स से कहती है कि हमें ब्लैक पर्ल जहाज का पीछा करना चाहिए, वहां पर विल है, पर जेम्स नहीं जाना चाहता। पर जब एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी, तो जेम्स उसकी बात मान जाता है और अब उसका विशाल जहाज ब्लैक पर्ल का पीछा करना शुरू कर देता है। ये बहुत जल्द उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर ब्लैक पर्ल जहाज होता है। सबके सब समुद्री लुटेरे गुफाओं के अंदर होते हैं जहां पर खजाना है, जहां पर उन्हें आखिरी सिक्का डालना है। जैक स्पैरो जेम्स को कहता है कि मैं गुफाओं के अंदर जाता हूं, वहां मैं बारबोसा को कहूंगा कि तुम अपने आदमियों को कश्तियों से बाहर भेजो और जब पायरेट्स बाहर आएंगे तो तुम उन्हें गोलियों से भून देना। जैक स्पैरो गुफा के अंदर जाता है जहां पर वो देखता है कि जेम्स विल की गर्दन काटने वाला होता है ताकि वो श्राप से मुक्त हो सके, पर जैक स्पैरो उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि अगर तुम श्राप से मुक्त हो गए तो भी बच नहीं पाओगे क्योंकि बाहर डॉन्टलेस जहाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। श्राप से मुक्त होने के बाद जब तुम आम इंसान बनकर बाहर जाओगे तो जेम्स और उसके सभी सैनिक तुम्हें मार देंगे। तुम्हें बाहर जाकर सबसे पहले डॉन्टलेस जहाज पर अपना कब्जा करना चाहिए। इसके बाद तुम्हारे कब्जे में दो दो जहाज होंगे। तुम मुझे ब्लैक पर्ल का कैप्टन बना देना, मैं तुम्हारे अंडर हमेशा काम करूंगा और जितने भी जहाजों को मैं लूटूंगा उसका 10% तुम्हें दूंगा। बातों में यहाँ पर जैक स्पैरो उसके खजाने से एक सिक्का चुरा लेता है, यानी कि अगर उसने आखिरी सिक्का डाल भी दिया तो भी वो श्राप से मुक्त नहीं होंगे। बारबोसा को जैक की बात सही लगती है और वो अपने सभी पायरेट्स को बाहर भेज देता है जो चांदनी रात में अपने असली रूप में आ जाते हैं, यानी कि सब के सब वो कंकाल होते हैं और वो डॉन्टलेस जहाज के सैनिकों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। वहीं गुफाओं के अंदर दिखाया जाता है कि जैक स्पैरो और विल बारबोसा से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर बारबोसा एक इंसान नहीं है, उसे मारा नहीं जा सकता। बारबोसा और जैक की लड़ाई में बारबोसा अपनी तलवार जैक के शरीर के आर पार कर देता है और तभी जैक चांद की रोशनी में जाता है और वो
वो भी एक कंकाल होता है, क्योंकि उसने भी उस श्रापित खजाने से एक सिक्का चुराया है। यानी कि अब वो भी श्रापित है, वो भी इन्हीं में से एक है। जैक के पास जो सिक्का होता है वो उस पर अपना खून लगाकर उस सिक्के को विल की तरफ उछालता है। विल उस सिक्के को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आती है। बारबोसा अपनी गन एलिजाबेथ की तरफ तान देता है। इसके बाद हमें गोली चलने की आवाज आती है। ये गोली जैक स्पैरो ने बारबोसा के ऊपर चलाई होती है। ये वही गोली होती है जो बारबोसा ने जैक को टापू पर छोड़ने से पहले दी थी, और जैक स्पैरो इस गोली से बारबोसा को मारना चाहता था। बारबोसा कहता है कि तुमने इस गोली को वेस्ट कर दिया। विल टर्नर कहता है कि नहीं, और वो दोनों सिक्कों को उस श्रापित खजाने के बॉक्स में डाल देता है, जिससे सब के सब श्राप से मुक्त हो जाते हैं। और बारबोसा, जिसकी छाती पर गोली लगी होती है, वो अपना दम तोड़ देता है। वहीं डॉन्टलेस जहाज पर जितने भी पायरेट्स होते हैं, अब वो आम इंसान बन चुके हैं, इसीलिए वो अपनी हार मान लेते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि पोर्ट रॉयल में जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही होती है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उस जगह जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ, उसके पिता और जेम्स होते हैं। वो एलिजाबेथ को कहता है कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहने के बाद वो उस जगह जाता है जहाँ पर जैक स्पैरो को फांसी से लटकाया जा रहा होता है। वो उसे वहां से बचा लेता है। इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से निकलते, जेम्स के सिपाही इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलिजाबेथ और उसके पिता भी यहाँ पर आते हैं। एलिजाबेथ विल से कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जैक स्पैरो यहाँ पर अपने एक साथी का तोता देख लेता है। वो समझ जाता है कि उसके साथी आसपास ही है, इसीलिए वो किले की ऊंची दीवार से पानी में कूद जाता है। और तभी ब्लैक पर्ल जहाज, जो कि उसके साथियों के पास है, वो समंदर में जैक स्पैरो की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जो उसे बचाने के लिए आया है। वहीं किले के ऊपर हमें जेम्स को दिखाया जाता है, जो विल को माफ कर देता है। साथ ही एलिजाबेथ के पिता भी विल और एलिजाबेथ की शादी के लिए मान जाते हैं। और अंत में हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है, जो ब्लैक पर्ल जहाज में है। उसके साथ ही उससे ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन बना देते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2003 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.7। इस फिल्म का बजट था $140 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $654.3 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।